नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो, आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने एक सीरीज देखी होगी इमरान हाशमी वाली शो टाइम, तो उसकी जो प्रोडक्शन हाउस था वो धर्मा प्रोडक्शंस जो है करण जौहर की, उसी उन्हीं की धर्मेटिक एंटरटेनमेंट थी। धर्मेटिक एंटरटेनमेंट इन्होंने बनाई है जो ये OTT पर रिलीज़ करेंगे अपनी सीरीज़ मूवीज़ फिल्म्स वगैरह। तो ये जो आज हम ट्रेलर देखने जा रहे हैं ये एक सीरीज़ है धर्मेटिक एंटरटेनमेंट की, जिसका नाम है कॉल मी बे। इसमें अनन्या पांडे लीडिंग एक्ट्रेस हैं। तो आज इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और अनन्या पांडे की अगर बात करें तो शुरू से इनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला है कि इनकी एक्टिंग पर भी और बहुत सारी और बातों पर भी। लेकिन अभी पिछली कुछ इनकी एक दो मूवीज़ आई, जिसमें अभी नेटफ्लिक्स पर इनकी एक आई थी मूवी आई थी या क्या नाम था उसका, मेरे जहन से निकल गया, जिसमें ये सिद्धांत चतुर्वेदी भी थे इनके साथ, और हमने ट्रेलर भी शायद देखा था और वो देखी थी। फिर उससे पहले गहराइयाँ इनकी मूवी जो दीपिका पादुकोण के साथ आई थी, इन दो मूवीज़ में इनकी एक्टिंग को सराहा गया था। अभी देखते हैं कि ये थोड़ी सी कॉमेडी टाइप लग रही है ये वाली जो सीरीज़ है, देखने के बाद ही हम आपके सामने कुछ रखेंगे कि यार वाकई में मज़ा आया या नहीं आया। तो देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। मसल। You can call me Bae. I was born with a golden spoon. Hey Bella. Good morning Rita. Good morning Maya. Guten Morgen Trixie. Guten Morgen Bae. मेरी फैमिली में there's no such thing as too much bling. सात लग्जरी कार्स, एक चॉपर और एक फेरी टेल वेडिंग। आपके सारे कार्स डिक्लाइन हो गए हैं। Are you suggesting that I'm middle class would be an upgrade, ma'am? मैं मुंबई में रहूंगी। तो क्या करोगी, जॉब? Yes, I will get a job. And unlike you, I'll do it without the family name. आंखों से ज़्यादा सड़कों पे सपने जान ले। क्या आपने कभी किसी न्यूज़ चैनल में काम किया? वैसे तो न्यूज़ चैनल हमारे लिए काम करते हैं, but I have studied journalism. That's social media journalism. What? Welcome to the confessional with Satyajit Sen. You, minion. क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? I'm now a journal. Go stand in for lighting, please. Why? Because I said so. इसे कौन साफ करेगा? कौन? तुम! क्या टोनी रही है? Bent all sweep से service entrance. Stress less, buy more. लाइफ है, कोई रवि शास्त्री की कमेंट्री नहीं, बदल जाएगी। I am Bae. I'm here to slay. Seize the day. मजबूरियों से मैं गुजर रही हूँ भैया। आपकी मजबूरी जहाँ शुरू होती है वहाँ तक पहुँचना ही तो हमारा सपना है। Where have I got that one before? पैसा, 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 पैसा। आखिर में जो था ना, आपकी मजबूरी जहाँ शुरू होती है वहाँ तक पहुँचना ही हमारा सपना है, तो इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं जो हूँ ना, सिद्धांत चतुर्वेदी साथ बैठे थे, उन्होंने ये जवाब दिया था कि जहाँ पे इनकी स्ट्रगल शुरू होती है वहाँ पे पहुँचना हमारा सपना है। तो वो कहती मैंने ये कहीं सुना हुआ है। तो बेसिकली करण जौहर की जो फिल्म्स होती हैं या सीरीज़ होती हैं थोड़ी लार्जर देन लाइफ होती हैं। आप देखो वो अगर कहीं पर झाड़ू भी लगा रही हैं तो वो लग रहा है कोई 5-star जगह है और उसी तरह उतने महंगे कपड़े पहन के झाड़ू लगा रही, हालांकि वो मिडिल क्लास हो चुकी हैं। तो एक अनन्या पांडे को तो थोड़ी सी एक बार्बी टाइप की वाइब्स आ रही है, थोड़ी सी अगर आप कहें कि एक हॉलीवुड टाइप सीरीज से इंस्पिरेशन ली गई हो, कि
उसी तरह का टच दिया गया है। और एक वो मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगा, मुंबई ये शहर है यहाँ पे, हसल मसल वाला गाना। कहती है कि यू कैन कॉल मी अबे, तो कहती है मैं बचपन से जो हूँ इस तरह क्या बहुत अमीर घराने की है और सिल्वर स्पून लेके पैदा हुई थी। कहती मेरी शादी वादी इनकी होती है, एकदम से इनको पता चलता है कि इनके सब क्रेडिट कार्ड्स डिक्लाइन हो गए, उनकी ट्रांजैक्शन शहर में जाती है वहाँ पे कि जहाँ मुझे कोई पहचानता ना। इनसे चाय गिरती है कुशन के ऊपर, तो जिनकी फ्रेंड है इनके साथ जो कहती है कि कौन साफ करेगा, तो यूँ हैरान होती हूँ क्योंकि तो वहाँ सर्वेंट्स होते थे। कहती है कौन, कहती है तुम। तो वो मतलब बड़े मजे की वो मूवी है ये। तो अब अपना अपना सबका होगा, कुछ लोग इसको मजे का कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, टेस्ट टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो ये है कि हाँ कॉमिक कॉमिक वे में जा रही है और मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं कि कैसी इसको रिसीव किया जाएगा। मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं। अनन्या पांडे की एक्टिंग की बात करूँ तो हाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हुई है, लेकिन मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है। मुझे एक वो गाना बड़ा अच्छा लगा है मुंबई वाला, और दूसरा एंड में जो हुआ था ना कि जहाँ पर आप हैं वहाँ तक पहुँचना हमारा सपना है, जो सिक्योरिटी गार्ड साहब बोलते हैं, तो वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे का एक इंटरव्यू था बड़ा मशहूर, वो हुआ था कि इन्होंने एक लाइन बोली थी तो फिर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने जवाब दिया था, तो वो बहुत मज़े की लाइन है। ओवरऑल एक हॉलीवुड टच आ रही है जिस तरह से उनकी सीरीज मूवीज होती हैं, तो शायद इसमें कुछ ड्रेसेस बड़े प्यारे हैं, बार्बी टाइप के, तो खर्चा बड़ा हुआ है। खर्चा तो करण जौहर की प्रोडक्शन है, वो खर्चा तो होगा। अब देखते हैं लोग इसको कैसे रिसीव करते हैं। बेसिकली होगा ये रिच से नीचे मिडिल क्लास हो जाएंगे, तो अब वो सारी स्टोरी उनके एंड में पुलिस भी कोई पकड़ लेती है, रो रही होती है। अब देखते हैं लोग इसको कैसे रिसीव करते हैं। यार डिफरेंट ये है कि जॉनर डिफरेंट जॉनर ट्राई करने चाहिए। इन्होंने कॉमेडी में किया हुआ है वैसे तो काम, वो पति पत्नी और वो में, उसमें शायद कॉमेडी भी थी। उस लास्ट जो उनकी फिल्म आई थी थोड़ी सीरियस सी थी, तो देखते हैं कैसा ऑडियंस इसको रिसीव करती है। आपके क्या ख्याल आते हैं, मुझे मिक्स फीलिंग्स हैं, आपके क्या ख्याल आते हैं हमें बताइएगा। इसको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मुझे थोड़ी सी बार्बी टाइप की वाइब्स आ रही हैं कि ड्रेसेस और इनकी ना थोड़ा फेरी टेल टाइप उस तरह की। तो खैर दैट्स इट, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो व्हाट डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉर माय ब्लॉग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे न्यू और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।